हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी हम मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह बिहार शरीफ पहुंचे हुए हैं, तो यहां का ब्लॉग वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो यही रहा रास्ता मजार शरीफ जाने का। तो ये मजार शरीफ के बस नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तब फाइनली दोस्तों, मैं देख सकते हैं गेट के सामने पहुँच चुके हैं और अभी हम यहाँ सिरनी वगैरह ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं सौंदर्य गेट कितना खूबसूरती, और ये देखिए फिर आगे एक और गेट है, और जो देख रहे हैं बिना कलर में वो गुम्बज मस्जिद का गुम्बज है, और गुम्बज मस्जिद का है वो। जो भी जायरीन यहाँ आते हैं नमाज वगैरह अदा करते हैं, बहुत अच्छा लोकेशन है। साइड से आप देख सकते हैं बीच में रास्ता और दोनों साइड घास की क्यारी, कितना सुंदर ये देखने में लग रहा है। तो हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं थोड़ा और नज़दीक पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही है। ये मस्जिद तरफ जाने का रास्ता, शायद जायरीन यहाँ ठहरने का रास्ता है। और अब हम सेकेंड वाली गेट में भी घुसने वाले हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं वो श्रद्धालु हैं, भिखारी हैं, वो लाचार कमाने से हैं, वो देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और ये फाइनली मैं सेकेंड गेट में घुस चुके हैं। ये सेकेंड गेट में मैंने क्रॉस कर गया, और ये इसके अंदर फिर पास होने के बाद इधर देख सकते हैं जो लोग हाजिरी लगाते हैं या और दरबार में मन्नत पूरा मांगने के लिए आते हैं। तो ये इधर से गेट इस तरह से बना हुआ है। तो मैं और अंदर का देखते हैं किस तरह से लोकेशन है। और इस सौंदर्य मैं मजार शरीफ तक भी पहुँच चुका हूँ। अब देख सकते हैं मंजार का गुम्बज किस तरह से बना हुआ है, और मज़ार के अंदर किनका किनका मज़ार सिर्फ बना गया वो भी मैं दिखा रहा हूँ। घुस किए हैं, अब देख सकते हैं मज़ार के ऊपर जो गुम्बज बना है उसके अंदर में शीशा लगा हुआ, और ये देख सकते हैं जो थोड़ा ऊंचा दिख रहा है चादर, वो है मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। और उसके जो नीचे साइड में आप देख रहे हैं वो उनका माँ का है, और देख सकते हैं किस तरह से शीशा लगा हुआ है। तो आप मज़ार का पूरा लोकेशन देखिए और आनंद लीजिए। देखें कितना बेहतरीन कांच का टुकड़ा लाया गया, कितना खर्च लगा होगा इसमें, आप तो देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत खर्च किया गया, मेहनत किए हैं। और ये आप देखिए, चारों साइड से हम दिखा दे रहे हैं मज़ार का। देखिए जो चादर उठा रहे हैं वहाँ चादर आते रहते हैं, और चादर ये चादर पोसी होते रहता है। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर ये। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ मज़ार के बाहर। अब देख सकते हैं अंदर से बाहर की जाने का और किस तरह से लोकेशन है। और ये इधर बच्चे खेल रहे हैं गेट के साइड बाहर। और ये आप देख सकते हैं ये मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का गेस्ट हाउस है, जो जायरीन आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं। और तो चलिए वीडियो पर बने रहें, यहाँ से मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तब तक फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।